आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली के आजादपुर वार्ड नंबर 15 में चुनावी दौर में भी लोग कई समस्याओं से जूझते हुए दिखाई दिए। यहां चुनावी दौर में भी ना तो साफ सफाई थी और ना ही पानी लोगों को मिल पा रहा है। पिछले कई सालों से वार्ड नंबर 15 ए ब्लॉक पंजाबी कॉलोनी में लोग गंदगी में जीने को मजबूर हैं। यहां लोगों को घर से निकलते हुए भी सोचना पड़ता है। रिश्तेदार ने यहां लोगों के घर आना बंद कर रखा है, क्योंकि पिछले कई सालों से साफ सफाई ना होने की वजह से लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। ऐसे में लोगों का गुस्सा इस चुनाव में देखने को मिल सकता है और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लोगों का कहना है कि गंदा पानी इलाके की सबसे बड़ी समस्या है, जिसके लिए सीधे तौर पर दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि जिम्मेदार है। और लोगों ने मन बनाया है कि इन सभी समस्याओं का हिसाब कल होने वाले नगर निगम चुनाव में लिया जाएगा। आपको बता दें, यहां आम आदमी पार्टी से मुकेश गोयल प्रत्याशी है, जो कि पहले निगम पार्षद भी रह चुके हैं। इनके कार्यकाल में भी जनता कहीं ना कहीं खुश थी और अब आम आदमी पार्टी में बिजली पानी की बड़ी समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है। खास तौर पर यहां लोग पानी खरीद कर पीते है, जिसकी वजह से लोगों का आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। न्यूज 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है सर? मेरा नाम दातीलाल है जी। दातीलाल जी, क्या क्या समस्या है जी? हमारे यहाँ पे एक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमारे यहाँ पंजाबी कैम डीडीए फ्लैट में स्मैकिए बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। लड़के जगह जगह बैठ के स्मैक पीते हैं, ऑटो में गाड़ियों में बैठ के। उनको मना करने के बावजूद वो हटते नहीं है। पुलिस वालों को बोला, कम से कम 5-6 बार उनको फ़ोन किया, वो उनको लेके भी आए हैं हमारे सामने। पुलिस वाले उनको बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ, बस उसके बाद फिर दोबारा लड़के बैठते हैं। कोई पुलिस वाला नहीं आता, कोई बीट ऑफिसर का राउंड नहीं है यहाँ पे कि आके कम से कम यहाँ पे ये देखे कोई गलत हरकत तो नहीं हो रही है यहाँ फ्लैटों में। मगर किसी को कोई मतलब नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। दिल्ली पुलिस दिल से माने जाने वाले को इस तरह से आप लोग शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई तो कुछ नहीं है, उनको जाके बोल दो तो आ जाते हैं साथ में। मगर खुद उनका जो हक बनता है कि यहाँ कम से कम राउंड लगाएं, लड़कों को देखते हैं कि कोई लड़का स्मैक पी रहा है, देख के भी चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता यहाँ पे। कितने सालों से समस्या हो रही है? ये कम से कम 2 साल से है यहाँ पे। तो 2 साल से अंदर कोई पुलिस प्रशासन इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया? हम तो यहाँ 100 नंबर पे फोन भी किया, थाने तक जाके उनको पुलिस वालों को अपने साथ लेके भी आए हैं, मगर उनके बावजूद भी वो यहाँ पे आके उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं है। लड़के वैसे ही बैठ रहे हैं, उनका ये नहीं है कि दोबारा भी आके उन्होंने कम से कम देखा हो। जाओ वहाँ पे, उल्टा हमारे को समझाते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसी वारदात कर देंगे, आपके साथ कुछ हो जाएगा, रहने दो। तो क्या लग रहा है कि पुलिस प्रशासन ये नहीं कह सकते पुलिस वाले मिले हुए हैं? लड़के यहाँ पे गलत हैं, मगर वो उनका जो हक बनता है, यहाँ पे बीट ऑफिसर हैं, राउंड लगाएं यहाँ पे, अगर कोई गलत असामाजिक तत्व है यहाँ पे, उनको वो हटाने का काम नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए पुलिस प्रशासन इस मामले पे लचर रवैया है, जो कार्रवाई कोई नहीं कर पा रहे। हाँ, कार्रवाई के लिए वो बिल्कुल लचर है, उनकी लापरवाह है। बाकी उनका कोई ऐसा नहीं है कि हम उनको ये बोल सकते हैं कि वो स्मैकियों के साथ मिले हुए हैं। अब क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं या विकास चाहते हैं? भाई यहाँ पे काम होने चाहिए, जो भी आए। चाहिए इन्हां नूं। क्या नाम है आपका? सीमा। हाँ सीमा जी, क्या क्या समस्या है बताएं? इन्हां नूं शराबां ढानियां चाहिए, बच्चे छोटे छोटे हैगे आ, सारे इन्ने डिग डिग के आंदे आ आदमी। शराबा से बस यही कहना, इन्हें शराब हटाओ, ठेके बंद कराओ, नशे पत्ते भी बंद करा होने चाहिए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार जरा कहा है एक के साथ एक फ्री। हाँ, दे तो चारू वाले ने किया हुआ, एक बोतल एक फ्री, जे बंद होना चाहिए सब। तो आप लोग क्या चाहते हैं, विरोध करना चाहते क्या करना? मैं बस यही जानी, बस मैं यही कहना चाहती हूँ, शराब के ठेके बंद कर दो, नशे पत्ते भी बंद करने चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे चलेगा घर, कैसे बच्चे पालेंगे हम? बस इतना। क्या नाम है? शकुंतला गोस्वामी। क्या है पूरा समस्या बताएं आप लोग? देख लो समस्या, नालियां भरी पड़ी हैं, इतना बुरा हाल है। कभी ये आते नहीं, जीत जाते हैं फिर आते नहीं, हाथ जोड़ेंगे पैरियात लगाएंगे, फिर उसके बाद तो ये शक्ल नहीं दिखाते। ये आपके निगम पार्षद कौन थे पहले? पहले ये मुकेश गोयल था, अब ये शर्मा है, दोनों एक जैसे हैं। और ये हेल्प करते हैं मुसलमानों की। तो
तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं जो भी आए अच्छा आए और हिंदुओं की रक्षा करे। और क्या जंगीरपुरी में हाल हुआ था, क्या ये इन लोगों ने रैली निकाली थी ना महावीर जयंती की, तो क्या हाल हुआ था, हमारे बच्चे बीच में थे, क्या हाल हुआ था यहाँ हिंदुओं को तो मार रहे हैं मुसलमान, अब ये कभी कहाँ मार रहे हैं कभी कहाँ मार रहे हैं, अब जंगीरपुरी में क्या हो रहा है, हिंदुओं की लड़कियां ले लेके भाग रहे हैं, कल भी यहाँ थाने में दो केस आए थे, क्या हो रहा है यहाँ। हिंदू होगा हमारा कोई सपोर्टर हिंदू होगा तो कोई अच्छा होगा, कल यहाँ दो केस आए हैं, गुलशन गया हो ऐसी। आप लोग क्या चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं? हाँ मैं बदलाव चाहते हैं, हम कहते हैं जो भी आए जो भी पार्टी आए हिंदुओं की रक्षा करे और ऐसे मारपीट नहीं होनी चाहिए, और ना तो हिंदुओं की लड़कियां सुरक्षित है ना हिंदुओं के लड़के। जी क्या नाम है आपका? रूपरानी। रूपरानी जी क्या क्या समस्या है आपकी? बहुत है समस्या जी, सिलेंडर महंगे हो गया ना कोई इधर आन के वेंदा वा, जाके वेखो पार्कों का की हाल है, शराबियां ताला टूट गया की करे कोई कुछ नहीं, जाओ भी अही एक पार्क ठेके लई आ, वो नहीं बच्चे खराब होने तभी बच्चे खराब होने, आखा ना जेड़ा ना भी पींदा वो एक ना एक फ्री होने तक ना जेड़ी फ्री मिलती मैं पीवा। तो आप लोग क्या पार्टी को विरोध करेंगे, क्या करेंगे आपके बदलाव? हम तो सारे नु आने पे कोई बदले, कोई चंगी पार्टी आवे जेड़ी मगे आए भी तोड़े तो सुधार होवे सारे भैन भरावां दा। जरे आपका एरिया का क्षेत्र का विकास करे उसको आप सुनना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? जेड़ा भी कोई आवे अच्छा ही आवे, चाहे बीजेपी होवे चाहे कोई भी होवे चाहे कांग्रेस होवे, जेड़ा आवे अच्छा ही आवे, जेड़ा महंगाई तोड़े। हुण 1100 दा सिलेंडर आ, आप तो नीवे नू वेखगे ना फेर आ, जेड़ा 100 रुपया दिहाड़ी कमाउण वाला आ उह सिलेंडर लियाऊगा के रोटी खवाऊगा अपने बच्चियां नू। देखो गंद जाके वेखो इन्ना गंद वा जेड़ा कहण दी गल नहीं, मोची ने किराए ते दित्ता दा उहने ते इन्ना गंद पाया जेड़ा कहण दी गल, कदी झाड़ू नहीं फेरा, हुण पैसे दे के झाड़ू फरवाइए ते की। क्या आपके एरिया में जो क्षेत्र की बात करिए निगम पार्षद कुछ गोल थे तो कुछ काम करा? हाँ कुछ काम किए थे आपके एरिया में? कुछ काम किया था दसो करने कोई नहीं किया इन्हें क्या जी दसो ना। हाँ आई तक नहीं आज में तो दबा देना। हाँ चलो कूड़ा तो छड़ा ही इन्ना चेर हो गया 35-40 साल होने लगे, किसी लाडमेंट आज आई वोटा पाओ आज आई कल आई कोई कोई लाडमेंट नहीं आउंदी ये बहाने आ। वार्ड नंबर 16 से सुशीला सोना बोल रही हूँ मैं। हम रोज हर रोज जाते हैं नालियों की सफाई के लिए, गलियां भरने के लिए, बरसातों में पानी भर जाता है। पिछले साल मेरे को डेंगू हुआ, मैं मरते मरते बची, हमारे एरिया में 3-4 केस डेंगू के सफाइयां ना होने की वजह से। आम आदमी पार्टी का हम भरजोर उसका विरोध करते हैं, ये मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों के इन्होंने तनख्वाहें लगा दी मौलवियों की, और यहाँ पर हमारे यहाँ पर नशा इतना चल रहा है कि हम बताने से छोटे छोटा बच्चा नशा कर रहा है, नालियों में भरा हुआ है, हमारे घर के अंदर पानी आ रहा है, नशा इतना हो रहा है। आप ये चीना झपटी इतनी होती है कि दिन दिहाड़े भी आप फ़ोन ले करके बाहर खड़े होकर फ़ोन नहीं कर सकते, छीन कर ले जाते हैं। क्या लग रहा है कि आपके जो निगम पार्षद है मुकेश गोयल के आपके एरिया में कभी आए? नहीं आए, आज तक कभी नहीं आए और ना ही वो आते हैं, और ना ही उन्होंने आज तक जो किसी से पूछा आकर के या देखा आकर के। हम जो अब यहाँ पर निगम पार्षद के पास रहते हैं कंप्लेंट करते हैं बार बार कि देखिए आकर हमारे हाथ के कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, इतना बुरा हाल हुआ है। अब आम आदमी पार्टी कहती है कि हम कूड़े का ढेर उठवाएंगे, कहाँ से उठवाएंगे, घर का तो उठवा नहीं सकते आज तक से, आज तक घर घरों के सामने कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। जब तक कूड़े का ढेर का इन्होंने कहा एक वो लगा लिया है कि हम कूड़े का ढेर उठाएंगे, अरे पहले अपने गलियों में तो आओ कर देखो सही, जो जो पार्षद को बुलाओ उसको जहाँ कर दिखाओ आकर के कि देखो कौन से कूड़े हटाओगे, जो घर के आगे इतने कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, कोई सर्व सफाई कर्मचारी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, नालियों में कीड़े चल रहे हैं, घरों में आ रहे, बीमारी इतनी हो रही है, कितने केस तो हमारे डेंगू के आए हैं जो कि इन्होंने आज तक शो ही नहीं करे। इसमें इस साल भी डेंगू हमारे 3-4 मरीज आए हैं और पिछले साल भी 3-4 मरीज, मैं खुद करी हूँ। तो क्या लग रहा है
हमको बदलाव चाहिए, हम ना कांग्रेस चाहिए ना आम आदमी पार्टी चाहिए, हमको बीजेपी हिंदुओं की पार्टी चाहिए। मुसलमानों का है ये, जहाँ पर टुकड़े गैंग का साथी, ये आम आदमी टुकड़े गैंग का साथी है, ये क्या बोलते हैं खालिस्तानियों का साथी है। जहाँ पर मुसलमानों का, जहाँ पर हिंदू होराज होता है वहाँ उन हिंदू रो दिए। ये सब सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है कि हमें हिंदू राज चाहिए। दंगे करवाने, छेड़ना झपटी होनी, चैन खींचना। यहाँ पर हमारे पार्क में सामने 10 बजे 11 बजे लड़कों को घेर कर ले आते हैं, बेचारे तो ऐसे ऐसे कांपते, हमने खुद देखे हैं और खुद हमने छुड़ा करके उनको भेजा है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत मुखी है। इंद्रजीत, क्या है समस्या पता है पहले, वार्ड नंबर क्या है ये? हमारा वार्ड नंबर 16 है, जिसमें पहले जो निगम पार्षद थे कांग्रेस से जीतकर मुकेश गोयल जी, जो अब आम आदमी पार्टी में चले गए हैं, जिनकी पब्लिक ने यहाँ आज तक शक्ल नहीं देखी। इलेक्शन में पैसे के दम पे आए और पब्लिक से वोट लेके चले गए और बिल्कुल काम नहीं करते। ऐसे ही उनके भ्रष्ट कर्मचारी हैं, उनके पास जाओ कोई काम नहीं करते क्षेत्र का वो। अब आप लोग की क्या क्या समस्या हो रही है? यहाँ समस्या ही है और कुछ है ही नहीं क्षेत्र में, ना विकास है, ना कोई काम है, ना कोई पार्कों की हालत बढ़िया है, पार्कों की हालत खस्ता है, नालियों की हालत खस्ता है, सफाई कर्मचारी जी आते नहीं है और मुकेश गोयल जी कभी अपने कार्यालय में मिलते नहीं है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम विरोध कर रहे हैं जी, अगर उनके होता तो अपना कैंडिडेट लड़ाते ना, यहाँ कैंडिडेट के लिए वोट मांगने आते वो, उनको पता है यहाँ जूते पड़ेंगे उनको। पब्लिक त्राही त्राही कर रही है, पहले कभी धीरपुर, फिर आदर्श नगर, फिर सराय पीपल थड़ा, अब फिर आदर्श नगर। अगर ढंग के पार्षद होते तो एक जगह दोबारा टिकट मांगते हैं ना जी। लेडी सीट भी है, मान लीजिए लेडी सीट हो गई है, लेकिन उस कैंडिडेट के लिए वोट मांगने किस हक से आएंगे वहाँ? यहाँ काम ही नहीं किया उन्होंने इस क्षेत्र में बिल्कुल भी। तो आप लोग किस तरह से उनको विरोध करेंगे? हम बिल्कुल बाइकॉट करेंगे आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस का भी इन्होंने मुकेश गोयल जी ने बेड़ा गर्क किया और आम आदमी पार्टी का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं आप। और यहाँ से चंद कदम की दूरी पे, मात्र 100 कदम की दूरी पे पवन शर्मा जी का घर भी है, ऑफिस भी है। मैं इस पूरे एरिया से, पंजाबी कैंप से, अगर जो कहोगे वो हार जाऊंगा अगर पवन शर्मा जी एक बार जीतने के बाद इस एरिया में आए हों। अच्छा, विधायक जी तो कहते हैं कि हम एरिया में पूरा विकास का, विधायक जी से पूछ लीजिए इसमें ए ब्लॉक कहाँ है, बी ब्लॉक कहाँ है, सी ब्लॉक कहाँ है, इनके नंबर पूछ लीजिए, जो कहोगे हार जाएंगे हम। उन्होंने तो शक्ल भी नहीं दिखाई विधायक जी की, किसी बच्चे ने शक्ल नहीं देखी यहाँ। केजरीवाल के नाम से वोट ले लेते हैं, वो भी झूठा, और इनके सारे नीचे वाले पार्षद और MLA सारे झूठे हैं इनके, झूठ फैला रहे हैं। झूठ की राजनीति है जी, झूठ में दंगे दे रहे हैं हमें और कुछ नहीं है इनका। क्या नाम है सर? सतपाल शर्मा। सर क्या समस्या आ रही है? समस्या है कि भाई साहब 270-280 मकान पर कंप्लेंट बराबर कर दी गई है, जाते हैं सफाई कर्मचारी नहीं आता। अब बरांदा भी है ना, तो साहब कहता है कि पार्षद इतने नहीं, पार्षद जा बैठ गया आम आदमी पार्टी को। पार्षद कौन थे? हैं मुकेश गोयल। क्या लग रहा है कि आप भी निगम का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या स्थिति आ रही है पहले भी? वो जी तो काका मेरी सराज जी सुनो गल, डिमांड बहुत वधिया है, जितने भी अज ना पार्टी बाजी नहीं गल कर रहे, अज तो पब्लिक नागरिक गल कर रहे पे, अज शक्ल नहीं देखी 5 साल तो। और असं बराबर वीडियो बना भेज लीए निगम निगम भेजी गई, वो कहते अपने पार्षद से बात करो, पार्षद को जाइए जाके उसी तो जाके पवन गोल बंस शर्मा को बैठे होंगे ने उत्थे जाके बोलिया। मैं कहा जिस दिन तो पवन आम आदमी पार्टी आया ना, ये और बेड़ा गर्क हो गया, पहले है जी हूँ नहीं है, क्योंकि असं तो बोलने पे कि असं अपने घर को क्रोचमेंट नहीं कराई, नाल ही हैगी बरसात चंद्र पानी वर्द है, जग हो ही देख लो पार्षद को वीडियो बना पेज थक गया। कहीं पता लग रहा है आप पार्टी को आप लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध नहीं करते पे, पर असं कहने के 9 बजे बंद ने तो टिकट नहीं देनी चाहिए पार्टी वालों, कि जो बंदे इन्ना पता है इन्ना वजूब गंदा है। कितने साल हो गए कि आपके एरिया में नहीं आए मुकेश गोयल? 5 साल तो आए ना, हूँ निगम पार्षद बने दोबारा, ये 5 साल तो पूरा होना, एक दिन वास्ते खुद भी खिंचा कहीं मारे नू। और इतने देखिए जब आम आदमी पार्टी गया ना, इन्हें वो बेड़ागर करता फड़ के, आम आदमी पार्टी के विधायक का भी इन्हें बेड़ागर करता, क्यों कुछ जग बंद है? आपके एरिया के विधायक तो कहते हैं कि क्षेत्र में पूरा विकास किए हुए हैं। ओ क्षेत्र का राज्य विकास जरूर किया गया है, पर विकास इन्हें कड़ा इन्हें नाश किया गया, जाके बेशक अगर नहीं ये प्रोसेस है, मेरा नाम है, नंबर है मोबाइल नंबर, मैं सामने आमने गल कर सकना, अगर एक कोई पहचान ले मैंने, और रोन जितों खलोता दर्शन कर दो उसे बाणी है, वो भी यदि जान रोन के बह गए जिते चला गया। मैं क्लीयर गल करना, मेरे को डर नहीं था, पहले राशन दफ्तर ज्यादा, पहले राशन दुकान से थी, मैंने अज तक जानता नहीं, तुम 25 साल जाना पाया। और अब क्या समस्या हो रही है आप लोग? समस्या का सर साढ़े घर से आप कहोगे कि इन्ना कूड़ा दान बने, जितने हम खलोता वहाँ
ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ यहाँ पर दिक्कत ये है कि जब से भी ये सरकार आई है तब से ना तो कोई गलियों में नालियाँ बनी है, ना कर्मचारी आ रहा है और ना ही कुछ मतलब कुछ भी मतलब वो नहीं हो रहा है भाई। नालियाँ देखो अपने रिपोर्ट तो। क्या आपके एरिया के निगम पार्षद पहले पुल पर जो रहे हैं वो क्या है, आपके क्षेत्र में आए कभी? एक बार भी नहीं आए। क्या नाम है उनका? ये मुकेश गोयल जी हैं। तो मुकेश गोयल जी आपके एरिया में कुछ काम करने के लिए आए? अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।